सो गाइज, आज टीसी के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने रिसेंटली बहुत सारे मुझसे सवाल पूछे हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मुझसे कोई भी नया अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर आपको इनके रिप्लाई मिल जाएंगे। तो अब चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपके सवालों के जवाब देना मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बिलाल भाई बोलते हैं कि A3 2017 को ओरियो अपडेट कब मिलेगा। तो भाई A3 2017 को मेरे ख्याल से जो ओरियो अपडेट है वो मिल जाएगा आपको अगस्त के बाद में, अगस्त से लेकर जुलाई के बीच में आपको A3 2017 में ओरियो का अपडेट देखने को मिल जाएगा। इनके बाद में राशिद भाई बोलते हैं कि J7 2015 को अभी जो रिसेंटली अपडेट मिला है फरवरी में, उस अपडेट के बाद में इनके फ़ोन में VoLTE फीचर काम नहीं कर रहा है। तो भाई आपके फ़ोन की सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा VoLTE ऑन करने का, इसको आप ऑन कर लीजिए। उसके बाद में आपके फ़ोन का VoLTE काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर फिर भी काम नहीं कर रहा हो तो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। इनके बाद में अदनान सामी भाई बोलते हैं कि इनके पास में Mi Max 2 है, उसको ओरियो अपडेट कब मिलेगी। तो भाई इस फ़ोन की जो Mi Max 2 की ओरियो अपडेट है वो तो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, लेकिन उसकी अभी तक कोई डेट वगैरह फाइनल नहीं हुई है। आगे जब और इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इनके बाद में समीर भाई बोलते हैं कि J7 Max को ओरियो अपडेट कब मिलने वाला है। तो भाई J7 Max को ओरियो अपडेट जुलाई के बाद में मिलेगा, हालांकि डेट्स वगैरह कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन साथ में ये और जानना चाहते हैं कि एंड्रॉइड पी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई एंड्रॉइड पी का भी कन्फर्म नहीं है, चांसेस है कि हाँ मिल सकता है। अब देखते हैं कि सैमसंग जो अपडेट पॉलिसी एक्सटेंड हुई है उसका आगे का पैटर्न किस तरह से रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इनके बाद में शक्ति सिंह भाई बोलते हैं कि 15,000 के अंदर कौन सा फ़ोन अच्छा है, बेस्ट है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से जो Xiaomi का Mi A1 है वो एक अच्छा फ़ोन है। इसके अलावा जो Honor का 7X है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आपको नए नए फीचर्स उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जो Honor का 9i है उसको भी देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में और कोई फ़ोन आता है तो आप मुझे ज़रूर उसके बारे में बताइएगा। इनके बाद में यूनुस खान भाई बोलते हैं कि सुनने में आ रहा है कि C9 Pro को ओरियो अपडेट नहीं मिलेगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, C9 Pro को ओरियो अपडेट मिलेगा, लेकिन आपको काफ़ी लंबा इंतजार इसके लिए करना होगा। इनके बाद में देव शर्मा भाई बोलते हैं कि जो सैमसंग का J7 2015 है उसमें अपने आप स्क्रीन पे ऐड आ रहे हैं। तो भाई मोस्टली जो ऐड है वो आपको जियो के ही देखने को मिलेंगे। अगर आपने जियो कोई ऐप्स इंस्टॉल करके रखे हैं तो उनके कारण आपको ऐड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आपने जो थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल की होती है प्ले स्टोर से, हो सकता है कि उनमें से कोई ऐप आपको ऐड दे रहा हो। इनके अलावा आपको ऐड और कहीं से नहीं मिलेंगे। तो आप फोन में चेक कीजिए कि रिसेंटली आपने कौन से ऐसे ऐप इंस्टॉल किए थे जिनके इंस्टॉल करने के बाद में आपके फ़ोन में ऐड आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप उनका पता नहीं लगा पाते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से मॉलवेयर वाइट नाम का एक एंटीवायरस वो डाउनलोड कर लीजिए। वो आपको बता देगा कि कौन से जो ऐप है वो एडवेयर हैं, तो आप इनको फिर से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो मुझे ज़रूर फिर से बताइएगा। आदित्य शर्मा भाई बोलते हैं कि मेरी वीडियोस के नीचे इंडिया लिखा हुआ कैसे आता है। तो भाई जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वहां पे नीचे लोकेशन का ऑप्शन आता है, उस लोकेशन में मैं इंडिया डाल देता हूं, तो यहां पे आपको वीडियो के नीचे यहां पे इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। इनके बाद में अभी भाई बोलते हैं कि इनका जो J5 2015 है उसमें भी बैटरी की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। तो भाई अगर आपके फ़ोन में बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो अपने फोन में जो अनयूज्ड ऐप है उनको अनइंस्टॉल करके देखिए, फोन को एक बार हार्ड रिसेट कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। फिर भी देखिए अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका मतलब है कि आपके फ़ोन की बैटरी खराब होगी, आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं सर्विस सेंटर पर जाकर। इनके बाद में जो पुनीत राजपाल भाई वो बोलते हैं कि उनके फ़ोन में जब वो अपडेट करेंगे तो इससे अपने फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी जो डेटा है वो तो डिलीट नहीं हो जाएगा ना। जी नहीं भाई, जब आप अपने फ़ोन को अपडेट करोगे तो आपके फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी डेटा है वो डिलीट नहीं होगा, आप बढ़िया से नहीं उसको अपडेट कर सकते हैं। हालांकि जब आप अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं तो उस समय ज़रूर ध्यान रखिएगा, उस समय आपके फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। इनके बाद में नईम भाई बोलते हैं कि जो मेरा फ़ोन है J7 2015 उसकी टॉगल्स में वाईफाई कॉलिंग कैसे आया, मैंने उसको डाउनलोड किया है या नहीं किया है। तो भाई मैं बता दूं कि एक साल पहले मुझे सैमसंग की तरफ से एक अपडेट मिला था जिसमें मुझे वाईफाई कॉलिंग का ये नया फीचर मिला है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। इंडिया में वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट नहीं करता है, और ये साथ में ये बोलते हैं कि इनके J7 6 के अंदर ये वाईफाई कॉलिंग का फीचर नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया में J7 2016 है उसमें तो वाईफाई कॉलिंग होना चाहिए। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो मुझे इसके बारे में बताइएगा, शायद हो सकता है कि आप पाकिस्तान से हो तो वहाँ पर मेरे ख्याल से वाईफाई कॉलिंग का फीचर नहीं होगा। इनके बाद में नाकिब रोनी भाई बोलते हैं कि इनके जो J7 2015 है उसमें VoLTE कॉल का फीचर नहीं है, जबकि जो मेरा J7 2015 उसमें VoLTE कॉल का फीचर है। तो भाई इंडिया में जो J7 के स्मार्टफोन्स है सभी J सीरीज़ के, उन सभी में आपको VoLTE कॉल का फीचर देखने को मिल जाता है। हालांकि हो सकता है कि आपने अपना फ़ोन कहीं से और से लिया हो तो इसके कारण आपको VoLTE कॉल का फीचर नहीं मिला हो, या आप अपने फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर आपको VoLTE कॉल को इनेबल करने का एक फीचर मिलेगा, उसे आप इनेबल कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो मुझे इसके बारे में ज़रूर फिर से बताइएगा। इनके बाद में क्लासिक सत्यजीत भाई बोलते हैं कि जियो का नेटवर्क बहुत कम रहता है इनके On 7 Pro में। भाई ये जो जियो की नेटवर्क प्रॉब्लम है वो मुझे भी मेरे फ़ोन में आ रही है, तो इसका अपने पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जियो के यूज़र बहुत ज़्यादा हो गए हैं और नेटवर्क इतना मेरे ख्याल से अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, तो इसी कारण से जियो की जो नेटवर्क प्रॉब्लम है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका नेट स्लो चल रहा है तो अपने जो फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग है वहाँ पे आपको जो डाटा रोमिंग का एक ऑप्शन मिलेगा इसको आप ऑन कर लीजिएगा, उससे आपकी नेट की स्पीड थोड़ी बहुत इंक्रीज़ ज़रूर हो जाएगी।
इनके बाद में सुशील सिंह भाई बोलते हैं कि होनर 7X में पी अपडेट मिलेगा क्या, यानी कि एंड्रॉइड पी का बोल रहे हैं भाई, ओरियो तो मिल जाएगा लेकिन पी का मेरे ख्याल से चांसेस कम ही है। इनके बाद में नितेश कुमार भाई बोलते हैं कि J3 की कोई अपडेट नहीं आएगी क्या, तो भाई J3 को कोई मेजर अपडेट तो मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो छोटी मोटी अपडेट्स है पैचेस वगैरह वो आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे। इनके बाद में अनिंद्य सुंदर हजारा बोलते हैं कि इनका जो A9 Pro है 2016 वाला, इसमें ओरियो अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनको कहीं पे पॉजिटिव रिव्यू मिलता है कहीं पे नेगेटिव मिलता है, तो असल में बात क्या ये जानना चाहते हैं। तो भाई A9 Pro को मेरे ख्याल से तो ओरियो के अपडेट मिलने वाली है, क्योंकि सैमसंग जो A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स आते हैं वहाँ पे दो अपडेट्स मिलती है, A9 Pro का भी एक ही मिली है, तो ऑब्वियसली कन्फर्म होने के लिए आपको वेट करना होगा, फिलहाल चांसेस बने हुए A9 Pro को ओरियो अपडेट मिलने के। और अभी क्यों सैमसंग जो अपडेट बोली एक्सटेंड होने की बात हुई, तो यहाँ से चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, मेरे ख्याल से आपको ओरियो की अपडेट मिल जाएगी, कुछ दिन आपको वेट करना होगा कन्फर्म होने तक। इनके बाद में मियाँ भाई कादरी बोलते हैं कि 3D फेस ID क्या होता है, तो भाई अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि जो सैमसंग के फ़ोन में भी अब आपको एप्पल के जो iPhone 10 जैसा ही 3D फेस अनलॉक का फीचर मिलने वाला है। तो भाई अब होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि OnePlus 5T है या जो सैमसंग का A8 Plus हाल ही में लॉन्च हुआ है, उन सभी में आपको फेस अनलॉक का फीचर मिलता है, लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं है क्योंकि वो 2D में आपके फेस को स्कैन करता है, जबकि जो 3D वाला है वो 2D से ज़्यादा सिक्योर होता है और अपने फेस को वो 3D में यानी 3D में स्कैन करता है, जिससे कि वो और ज़्यादा इनके मुकाबले 2D वालों के मुकाबले सिक्योर हो जाता है। अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाकर दे सकता हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके बाद में किशोर प्रजापति बोलते हैं कि नोट 8 में ओरियो अपडेट कब आएगा, तो भाई फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में आपको नोट 8 में ओरियो अपडेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एसेट को इंडिया में ऑलरेडी नोगेट की अपडेट मिल चुकी है। इनके बाद में HR प्रोडक्शन बोलते हैं कि J7 Plus कब आएगा, तो भाई J7 Plus इंडिया में मेरे ख्याल से नहीं आने वाला है, अगर लॉन्च होना होता तो उसी समय हो जाता, वैसे लॉन्च नहीं हुआ तो अच्छी बात है क्योंकि इसमें 22-23 हज़ार रुपये का फ़ोन आने वाला था, इसमें MediaTek का प्रोसेसर देकर रखा, तो इस फोन का क्या करते आप सब। यहाँ पे कबीर शेख भाई का एक सजेशन है मेरे लिए, वो बोलते हैं कि मुझे सैमसंग के अलावा जो शाओमी के फ़ोन हैं उनके बारे में भी डिटेल में वीडियोस बनानी चाहिए। आप सभी क्या चाहते हैं, अदर स्मार्टफोन्स ब्रांड्स के बारे में भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं कि, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताइएगा, आपको जल्द ही मैं इनके ऊपर वीडियोज़ ला के ज़रूर देने वाला हूँ। इनके बाद में ब्रॉडकास्ट सैयद जानना चाहते हैं कि जो सैमसंग के J4, J6 और J8 आने वाले हैं उनमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कितनी उनकी प्राइस होगी। तो भाई मैं आपको बता दूंगी, स्मार्टफोन्स में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैमसंग अपने बजट स्मार्टफोन्स में भी ड्यूल कैमरा सेटअप जल्द ही लाने वाला है। इनकी प्राइस की अगर बात करें तो ये फ़ोन आपको 12,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये के अंदर सभी देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की, तो ये फ़ोन एंड्रॉइड ओरियो के साथ में आने वाले हैं। इनके अलावा अगर बात करें, और क्या पूछने आपने, प्राइस मैंने बता दी है, एंड्रॉइड ओरियो के बारे में बता दिया है, कैमरा के बारे में मैंने बता दिया है। तो भाई लॉन्च होने की जो डेट है वो मेरे ख्याल से ये जुलाई से पहले पहले लॉन्च हो सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहेगी। इनके बारे में ब्रॉडकास्ट सेट फिर से बोलते हैं कि मुझे लाइव आप सभी के सवालों के जवाब देना चाहिए। भाई मैं चाहता यही हूँ कि आपके सवालों के जवाब मैं लाइव दूँ, लेकिन चैनल पर अभी जो लाइव है उसको बंद करके रखा गया यूट्यूब की तरफ से, मेरे एक वीडियो के कारण। मैंने उसमें बताया था कि आप कैसे जो वाईफाई के पासवर्ड उनको हैक कर सकते हैं, तो वो वीडियो डिलीट कर दी गई है और चैनल से जो लाइव का ऑप्शन 3 महीने के लिए हटा दिया गया, इसलिए अप्रैल से हम लाइव करेंगे चैनल पर। साथ ही ये टेक न्यूज़ के बारे में भी बोल रहे हैं, तो टेक न्यूज़ आप सभी देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, मुझे जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनके बाद में अभिजीत साहब भाई बोलते हैं कि उनके दोस्त ने J2 2015 खरीदा था आउट ऑफ कंट्री से, अब वो इंडिया में जियो का सिम को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या करें। तो भाई आप इंडिया वाला जो फर्मवेयर है J2 2015 का वो उसमें फ्लेश करवा लीजिए, आपका जो जियो का सिम कार्ड है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इनके बाद में जतिन सोलंकी भाई बोलते हैं कि जो J7 प्राइम और ओन नेक्स्ट एक जैसे हैं, तो अगर J7 प्राइम को ओरियो मिलेगा तो ओन नेक्स्ट को भी मिलेगा ना। जी भाई, ओन नेक्स्ट को भी मिल जाएगा अगर J7 प्राइम को मिलेगा तो। अजय भाई बोलते हैं कि LG Q6 को ओरियो अपडेट मिलेगा क्या, मिलेगा भाई। इनके बाद में राजेश भाई बोलते हैं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो भाई मेरा फेवरेट एक्टर, एक तो आपने जो X-Men मूवीज देखी होगी उनमें जो एक्टर है उनका नाम मुझे याद नहीं है वो है, इनके अलावा जो ड्वेन जॉनसन है, विन डीजल है, ये सभी मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। इनके बाद में हरीश कुमार भाई बोलते हैं कि जो मोटो G4 प्लस है उसको ओरियो अपडेट कब मिलेगी, तो भाई मैंने अभी इसके बारे में सर्च किया था, मुझे पता चला कि कुछ कंट्रीज़ में तो इसको जो 2018 का फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी फरवरी और मार्च इनमें ही मिल जाएगी, और कुछ कंट्रीज़ में जाके इनको जुलाई के आसपास अपडेट मिलने वाली है, तो यहाँ पे कुछ कन्फर्म नहीं कि कब तक इसकी अपडेट इंडिया में आ जाएगी। इनके बाद में VR इंडियंस बोलते हैं कि जो शाओमी का Mi A1 है उसको एंड्रॉइड पी मिलेगा क्या। जी भाई, 100% इस फोन को एंड्रॉइड पी मिलने वाला है। इनके बाद में रोहित भाई बोलते हैं कि उनका जो J7 Pro है उसका डिस्प्ले स्मूथ नहीं है, जोर से दबाना पड़ता है, तो भाई इसमें हार्डवेयर प्रॉब्लम है, आप इसको सर्विस सेंटर ले जाइए, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इनके बाद में जयमीना भाई बोलते हैं कि जो यूट्यूब की वीडियोज़ है उनको डाउनलोड करके अपनी गैलरी में कैसे लाएँ, तो भाई यूट्यूब में आपको एक वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन उसकी मदद से जो वीडियोज़ है वो आपकी ऑफलाइन सेव होती है, आपको गैलरी में नहीं मिलती हैं। अगर आपको अपने फ़ोन में वीडियोज़ को डाउनलोड करना है, गैलरी में उनको देखना है, तो आपको जो ट्यूबमेट है, वीडियोमेट जैसे ऐप, उन सभी को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा और उनकी मदद से आप यूट्यूब वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इनके
बाद में स्वेगी अनुज भाई बोलते हैं कि उन्हें एक नया फ़ोन लेना है, तो वो क्या मी 82 का वेट करें या फिर जो शाओमी का रेडमी नोट 5 आने वाला है उसका इंतजार करें। तो भाई दोनों ही फ़ोन अभी लॉन्च नहीं हुए हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस देखनी होगी। अगर मी 82 लॉन्च होता तो मेरे ख्याल से रेडमी नोट 5 से ये काफ़ी बेटर रहेगा फ़ोन। कबीर शेख भाई बोलते हैं कि एक हफ्ते में 4 दिन RTC वीडियोज़ आनी चाहिए और तो इनको मज़ा आ जाएगा। तो भाई एक हफ्ते में 4 दिन तो नहीं हो पाएगा RTC, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और ज़्यादा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। आप सभी के क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रशांत ठाकुर भाई बोलते हैं कि ट्रू कॉलर से अपना नाम कैसे हटाएं। तो भाई अभी इसकी जो प्रोसेस वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बता सकता हूँ। आप ट्रू कॉलर में अपने उसी नंबर से फिर से आईडी बनाइए और अपना जो नाम है उसकी जगह किसी और का नाम डाल दीजिए, तो आपका वो जब और कोई सर्च करेगा आपके नंबर से तो किसी और का नाम वहाँ पे शो होने लगेगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में वीडियो देखने की पूरी प्रोसेस की कैसे आप परमानेंटली अपने नाम को हटा सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। इनके बाद में लर्निंग इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग भाई बोलते हैं कि इन्हें A8+ लेना चाहिए, 1+5T लेना चाहिए। भाई अगर मुझे लेना होता तो मैं 1+5T के साथ में जाता, लेकिन जो A8+ है वो ओवर प्राइस मुझे थोड़ा लगता है। कैमरा जो उसका रियर कैमरा इतना मुझे अच्छा खास नहीं लगा है। इसके अलावा क्या बताऊँ भाई, 1+5T मेरे ख्याल से अच्छा है। कबीर शेख भाई बोलते हैं कि जो शाओमी का मी मैक्स 3 है उसका वीडियो बनाएं। भाई उसके बारे में भी कुछ लीक नहीं आए हैं, जब लीक आएंगे आपको तुरंत उसके बारे में वीडियो मैं बनाकर दे दूंगा। अर्पण भाई बोलते हैं कि आप सेटअप बना लो। जी भाई सेटअप बनाएंगे, थोड़े से सब्सक्राइब थोड़ी और इंक्रीज हो जाए उसके बाद में ज़रूर आपको सेटअप बनाकर देंगे। और इनके बाद में ये कहते हैं होप यू हिट 100K सून। जी भाई थैंक यू, जल्द ही आप सभी साथ में बने रहेंगे तो ज़रूर। इनके बाद में श्रेय माथुर बोलते हैं कि अगर वो अपने फ़ोन के कुछ जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप है जैसे कि अपना गूगल प्ले म्यूजिक है उसको डिसेबल कर दें तो उससे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो भाई आप कुछ ऐप्स को डिसेबल कर सकते हो, लेकिन कुछ अगर आपने सिस्टम ऐप्स को डिसेबल कर दिया जो कि आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं आपको यूज़फुल हैं तो इससे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसीलिए आप सोच समझ कर ही उनको डिसेबल कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐप्स को आप फ़ोन में डिसेबल कर सकते हैं तो इसके बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, मुझे इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। इनके बाद में रवि प्रताप सिंह भाई बोलते हैं कि 20,000 रुपये के अंदर जो मोटोरोला के फ़ोन आते हैं उनकी जो अपडेट पॉलिसी वो कैसी है, उनको कितनी मेजरवाइज अपडेट मिलती है और मोटो एक्स पर फोन ले सकते हैं क्या। तो भाई 20,000 रुपये के अंदर जो मोटोरोला के फ़ोन आएगा उनको वहाँ पे आपको एक मेजरवाइज अपडेट देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि 2 साल तक आपके फ़ोन के लिए सपोर्ट बना रहे और आप मोटो एक्स फोर आप देख सकते हो। अगर आपको पसंद है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। स्क्रीन साइज़ थोड़ा मेरे ख्याल से छोटा है और आपको इसमें अलग अलग वेरियंट्स भी मिल रहे हैं तो आप देख सकते हो इस फ़ोन को। इनके बाद में सुबीर भाई बोलते हैं कि जो सैमसंग का A8 और A7 है 2018 वो इंडिया में कब आएंगे। तो भाई A8 तो लॉन्च हो चुका है और मेरे ख्याल से जो A8 है वो A5 की जगह लॉन्च हुआ है और A8+ है वो A7 की जगह लॉन्च हुआ है। तो मेरे ख्याल से A7 तो नहीं आने वाला है, लेकिन जो A8 है वो बाहर की कंट्रीज में लॉन्च हुआ, इंडिया में वो भी मेरे ख्याल से नहीं आएगा। टोटल फन भाई बोलते हैं कि रेडमी नोट 5 कब आएगा। तो भाई रेडमी नोट 5 मेरे ख्याल से आ सकता है 14 फरवरी को, देखते हैं कि शाओमी अपना कौन सा नया फ़ोन लेकर आता है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। आप सभी के सवाल है, अगर मैं आपको बता दूं आप जे सीरीज़ के किसी ओरियो अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके जो वीडियोस हैं उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ पे सभी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आपके किसी भी तरह के और के सवाल हो मुझसे, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और नई वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर नए अपडेट्स के साथ।